हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। आज मैं आपके साथ दो टाइप के पास्ता की रेसिपी शेयर करूंगी, तो इसलिए मैं यहाँ एक कप पास्ता ले रही हूँ। यहाँ मैं पानी को उबालने के लिए रखी थी, पानी में उबाल आ गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी। और ये पास्ता इसमें ऐड कर दूंगी और इसको थोड़ी देर के लिए बॉईल होने के लिए रख दूंगी। यहाँ मैं इसके साथ एक चम्मच तेल ऐड कर रही हूँ। तेल ऐड करने से पास्ता जो है वो आपस में नहीं चिपकेगा और एकदम खिला खिला रहेगा। मिक्स कर दूंगी मैं। 3 से 4 मिनट में पास्ता हमारा बहुत बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है। अब मैं इसका जो एक्स्ट्रा पानी है इसको अलग कर देती हूँ। तो मैं यहाँ एक स्ट्रेनर के हेल्प से जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो अलग कर दिया है। यहाँ मैं एक पैन ले रही हूँ। पैन अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा ऑयल। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा लहसुन ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा हरी मिर्च। अब मैं इसमें कैप्सिकम और गाजर डाल दूंगी। यहाँ सब्जियों को हमें बिल्कुल बॉईल नहीं करना है, हल्का इसको क्रंची फ्राई करना है, तो इसलिए मैं यहाँ फ्लेम को मीडियम में रखी हूँ और 2 से 3 मिनट के लिए इसको ऐसे ही कुक करूंगी। 3 मिनट हो गया है और सब्जियों में बहुत अच्छा सा क्रंचीनेस भी आ गया है, तो इसलिए मैं सब्जियों को एक दूसरी प्लेट में निकाल दूंगी। सब्जियों को मैंने प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है। अब इस सेम पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। मैं यहाँ मैदा ऐड कर रही हूँ। 1.5 टेबल स्पून मैदा मैं यहाँ ले रही हूँ। हमें मैदा को रोस्ट करना है ऑयल के साथ। आप अगर ऑयल की जगह बटर ले रहे हैं तो इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो में ही रखी हूँ और 2 से 3 से 4 मिनट हो गया है और मैदा का जो कलर है वो हल्का चेंज भी हो गया है। अब इसी स्टेज में मैं इसमें मिल्क ऐड कर दूंगी। देख सकते हैं इसमें पूरा लम्स आ गया है, तो लम्स अच्छे से जाने तक मैं इसको ऐसे ही मिक्स करूंगी। थोड़ी देर में ये लम्स जो है वो चला जाएगा। इसमें लम्स चला गया है। अब मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर दूंगी। मिक्स कर दूंगी अच्छे से। अच्छे से मिक्स होने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड कर दूंगी। इसके साथ मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा नमक मिक्स कर दूंगी।
हमने जो पास्ता रखे थे वो ऐड कर दूंगी। मिक्स कर दूंगी। आप चाहे तो यहाँ चीज भी ऐड कर सकते हैं। हमारा व्हाइट सॉस वाला पास्ता बिल्कुल रेडी हो गया है सर्व करने के लिए। शाम के टाइम के लिए ये परफेक्ट नाश्ता है, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और बहुत जल्दी बनने वाला है। तो आप घर पर ये रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। दूसरी टाइप का पास्ता बनाने के लिए मैं यहाँ पैन को गर्म होने के लिए रखी थी। पैन गर्म हो गया है, मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी। ओके, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च ऐड कर दूंगी। सेकेंड से मैं इसको कुक करूंगी। अब इसमें प्याज डाल दूंगी। प्याज को भी हमें एक मिनट के लिए ही कुक करना है। प्याज कुक हो गया है, एक मिनट हो गया है। अब मैं इसमें कैप्सिकम और कैरेट डाल दूंगी। थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी और 3-4 मिनट के लिए लो फ्लेम में इसको ढक्कन लगा के कुक होने के लिए छोड़ दूंगी। तो सब्जियां हमारा 70% तक कुक हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा टमाटर सॉस ऐड कर दूंगी, उसके साथ थोड़ा सा चिल्ली सॉस। मिक्स कर दूंगी। अब हमने जो पास्ता रखे थे वो ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पेपर पाउडर ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा धनिया पत्ता। अभी पास्ता खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आप चाहे तो अपने दोस्तों और परिवारों के साथ मेरी रेसिपी को आप शेयर भी कर सकते हैं।